अर्चना की पाकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते के लिए हमने आधा लौकी लिए है, और इसके लिए हमें सामग्री की आवश्यकता है। पहले हम कोफ्ते बनाएंगे, तो कोफ्ते के लिए हमें सबसे पहले लौकी को कसना होगा, और कसने के बाद में इसमें हमें मिलाना है बेसन। आधा लौकी में ये हम आधा कप बेसन मिलाएंगे। हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक है, गरम मसाला, सौंफ, थोड़ा सा हींग, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा तेल है। ये हम कोफ्ते के बैटर में मिलाएंगे, और तलने के तेल के लिए अलग से तेल लेंगे। और इसके लिए ग्रेवी के लिए हमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, और उसके अंदर ये दालचीनी और ये पत्ता डालेंगे, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और बारीक चॉप करके प्याज डालेंगे। उसके बाद में टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी मिक्स करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, और फिर ऊपर से गार्निश करेंगे हरी धनिया से। अब हमने लौकी को कस ली है, इसके अंदर हम आधा कप बेसन मिलाएंगे। बेसन मिलाने के बाद में हमें हल्दी पाउडर मिलाना है, इसमें आधी चम्मच नमक मिलाना है, सौंफ, थोड़ा गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और गार्लिक का चॉप करके गार्लिक आधा चम्मच, और जिंजर पेस्ट, और एक चम्मच ये हमने बारीक चॉप प्याज किए हुए वो इसमें डालना है, और थोड़ा सा हींग डालना है। हींग डाल के इन सबको डाल के, अभी हींग का ये पानी है, और इनको इसको डाल के हाथ से ही हमें पहले मिक्स करना है, क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है, और इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल एक बूंद इसमें पानी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हमने गोले बना के सब रख लिए हैं। अब इसको हम, तेल गरम हो चुका है, अब हमें इसको एक एक करके गोले तेल में डालना है। और आंच को अभी थोड़ा तेज है, लेकिन अभी आंच हमें मीडियम करना है, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। अब इसे हमें पलट देना है, और मध्यम मध्यम आंच पर अच्छी तरह से सेकते रहना है। सिक जाएंगे तब इसे उतार लूँगा। इसको सिकने में कम से कम मुझे लगता है 5 मिनट तो लगने ही चाहिए। 5 मिनट में ये अंदर तक सिकेंगे। इसको हमने अभी मध्यम मध्यम आंच पर सेक लिया, 5 मिनट हो चुके हैं, और ये एकदम अच्छे अंदर तक सिक चुके हैं, बिल्कुल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हमें इसको निकालना है, सबको निकाल के, और फिर गैस बंद कर देना है, और अब हमें ग्रेवी बनानी है इसकी। ये हमने निकाल दिए तेल से, गैस भी बंद कर दिए, और ये एकदम अंदर तक सिक चुके हैं। इसमें यदि हम ऐसे चाकू डालेंगे ना, तो चाकू हमारा ऐसे निकल जाता है। देखो चाकू में कुछ भी नहीं लगा हुआ है कहीं से भी ना, इसका मतलब ये अंदर तक अच्छे सिके हुए हैं। ये तेल गर्म हो चुका है, और इसमें हम 2 तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ी दालचीनी है, और उसके बाद में हमें सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये चॉप किए हुए लहसुन है, और थोड़ा पकने के बाद में हम इसमें डालेंगे छोटे चॉप किए हुए प्याज है, 2 छोटे प्याज है, उसको हमने चॉप कर लिया है, और अब हम इसको थोड़ा पकाएंगे, और उसके बाद में चॉप की हुई अदरक, ये सब चॉप किया हुआ लिया हुआ है, ये प्याज अच्छी तरह से लाल हो गए हैं।
और इसके बाद में हम इसमें पहले आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और फिर टमाटर पेस्ट डालेंगे और फिर बाद में एक चम्मच फिर से हम लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो हमने पहले ये थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है, इससे क्या होता है ना मिर्ची सिक जाएगी और इसका कलर भी अच्छा आ जाता है ग्रेवी में। जैसे अभी इसको सेक दिया और अब हम ग्रेवी डालेंगे प्याज की, टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे इसमें। हमने टमाटर की 3 छोटे टमाटर लिए हैं, ज़्यादा कटे नहीं थे तो इसकी ग्रेवी हम इसमें बना देंगे। जब अच्छी तरह से पूरा टमाटर सब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी के मसाले जैसे हल्दी है, धनिया पाउडर है, ये सब हम इसमें मिलाएंगे और फिर सबसे आखिरी में गरम मसाला डाल के बाद में नमक डालेंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें। अभी टमाटर गल चुके हैं और अच्छी तरह से पक भी गए हैं क्योंकि तेल हमें अलग नज़र आ रहा है। और उसके बाद में हमें अपने बाकी के मसाले इसमें मिलाने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर थोड़ा और डालेंगे क्योंकि ये बहुत कम था तो आधी चम्मच हमने डाली थी, अभी थोड़ा सा और डाल देंगे हल्दी पाउडर। और फिर मसाला को हम अच्छी तरह से सेकेंगे, मसाला सेकने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हल्दी पाउडर चुटकी भर और डाला मैंने, अच्छा कलर आता है। और फिर मसाला सेकने के लिए थोड़ा एक एक चम्मच पानी से तो पानी डाला मसाला सेक रहा है। और ये फिर से तेल छोड़ने लगेगा, फिर से हम इसमें एक चम्मच पानी डालेंगे और ऐसे कर करके ग्रेवी भी गाढ़ी होती जाएगी। फिर तेल डाला हमने पानी, आज इस समय आज तेज रखना है। अभी ये भी देखो अभी कम हो रहा है और ग्रेवी बढ़ती जा रही है, ठीक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब पानी ख़त्म हो जाएगा फिर से थोड़ा पानी हमें ऐड करना है। ऐसे कर करके हमें एक कप के बराबर पानी इसमें ऐड करना है, मसाला सेकते जाना है। इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है और मसाला भी अच्छा सिक जाता है, सब्ज़ी में कच्चे मसाले का टेस्ट नहीं आता है। और यदि आपको इसमें दही ऐड करना है तो दही भी डाल सकते हैं, दही की ग्रेवी भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। और दूध भी डाल सकते हैं, दही ज़्यादा अच्छा है। मैंने आज दही भी नहीं डाला और सिर्फ पानी से बना रही हूँ, पानी में मसाला पक रहा है। और शुरू में हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाला था, घी या बटर भी डाल सकते हैं। और इसको सिकने देते हैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह से सिक जाएगा। फिर हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और पानी में उबाल आने के बाद में हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, कल हमने 1 कप पानी डाल के मसाले को भूजा था और अब हम इसमें 1 गिलास के आसपास पानी डालेंगे। अच्छा कलर आ गया है, अब उबलने देंगे इसको और उबलने के बाद में फिर कोफ्ते डाल देंगे इसके अंदर। अभी ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है और ग्रेवी थिक भी हो गई है, अब हम इसमें अपने कोफ्तों को डाल देंगे। कोफ्तों को डालने के बाद में अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे। एक चम्मच नमक डाल दिया है, बस अब इसको थोड़ा देर बंद करके ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाल के और ढक देंगे, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा।
अब ये बनने के बाद में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया हमने, और गरम मसाला डालने के बाद में हमें इसको पकाना नहीं है, बस बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर में, अभी बस ये हो गया, उसके ढक के रख देना। हमारी कोफ्ते की सब्जी तैयार है, थोड़ी देर बाद में और ठीक हो जाएगी। अब हम इसको खोल के देखेंगे ये कितना अच्छा हो गया है, ग्रेवी भी एकदम अच्छी लग रही है। अब हम इसे अपने सर्विंग बाउल में निकाल देंगे और ऊपर से धनिया डाल देंगे ये एक एक करके। थोड़ी ग्रेवी डाल देंगे, धनिया डाल के सर्व करेंगे। तैयार खोल के देखेंगे, एकदम सॉफ्ट है ये अंदर से, ये देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते बने हैं। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे लौकी के कोफ्ते, आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए।